नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डेली क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक सेक्शन से हम डिस्कस किया करेंगे। 20 से 30 या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम डेली डिस्कस किया करेंगे। तो आज हमारा टेस्ट 1 है। छोटी सी वीडियो रहेगी 5 से 10 मिनट के बीच में। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ऐसा है ऑप्शन ए सैटुरन। सैटुरन के 82 प्लेनेट्स हैं। और अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर दूसरे नंबर पर आता है। जुपिटर के 79 प्लेनेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है वो कौन सी है? तो वार्मेस्ट यानी कि सबसे गर्म परत वायुमंडल की कौन सी है? ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर जो है वो सही आंसर होगा। ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीइंग अवॉर्डेड नाइटहुड इन द यूके ऑनर्स लिस्ट। तो यूके ऑनर लिस्ट में किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर भी कवर करेंगे इसमें हम। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को जो है वो नाइटहुड की अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री मेड चेंजेस इन इट्स नेशनल एंथम। तो हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल जीके का क्वेश्चन है, टोटल कैपेसिटी ऑफ कच्छम वांगटू प्रोजेक्ट इज। तो कच्छम वांगटू परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? कच्छम वांगटू परियोजना की कुल क्षमता है 1000 मेगावाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। कच्छम वांगटू परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो सतलुज नदी पर यह बनी हुई है। कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर में स्थित है कच्छम वांगटू परियोजना। ये आप बेसिक सा कच्छम वांगटू परियोजना के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, हंसा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। जैसे कि पिछले कल एग्जाम में पूछा गया था, एक दो दिन पहले जो एग्जाम होता है, देहर जो है वो किसकी सहायक है? आज पूछा गया है हंसा किसकी सहायक है? तो हंसा जो है वो ब्यास की सहायक है। ऑप्शन सी ब्यास जो है वो सही आंसर है। अब देहर किसकी सहायक है ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी कल परसों ही ये एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ। मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभदायक होगा यदि, मुद्रा का जो डिवेल्युएशन है वो अधिक लाभदायक होगी अगर प्राइजेज ऑफ द एक्सपोर्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं HPSSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय। तो भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसको मापा जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। WPI इसको कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। इन्फ्लेशन को होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। हिंदी का क्वेश्चन है, राजगृह में कौन सा समास है? तो समास जो है HPSSC के द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। हम अधिक से अधिक समास कवर करने की कोशिश करेंगे। राजगृह में तत्पुरुष समास आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है इंग्लिश का। यहाँ पर पूछा गया है, माई बॉस फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करना है माई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माई अलाउंस। तो माई बॉस रेफ्यूज्ड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। माई बॉस रेफ्यूज्ड माई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माई अलाउंस जो है इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी HPSSC में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिर से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है, अगर 879 को हम सॉल्व करेंगे तो 9 आता है, उसी तरह 625 को 1 आता है और 586 को 9 आता है। अगर हम 785 को करेंगे तो क्या आएगा? 785 को सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास? 6, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स डैश ऑन कॉन्टैक्ट विद एन एसिड सॉल्यूशन। तो नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन किसके संपर्क में आने से किस रंग में बदल जाता है? तो ये लाल रंग में बदल जाता है। ऑप्शन ए लाल रंग जो है वो सही आंसर है। अच्छा, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक पहुँच जाए। अभी ये पहला टेस्ट है। इस तरह से हम अधिक से अधिक टेस्ट लेकर आपके लिए आएंगे अगर आपका सहयोग इसमें अच्छा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड पॉपुलर चैम्बर। तो किसे पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? लोकप्रिय कक्ष किसे कहा जाता है? ये लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन सी लोकसभा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। तो डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन कौन सा है? तो प्रमुख रसायन कौन सा होता है डिटर्जेंट में?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो डोमिनेंट केमिकल है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू, तो पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा होता है, इसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव गवर्नर, तो ऐसा कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि हर एक राज्य में जो है वो राज्यपाल होगा, ऐसा आर्टिकल 153 में कहा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, आर्टिकल 153। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लाइन कोस्ट लाइन, तो भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, तो मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी किसकी है, यह है गुजरात की। ऑप्शन ए गुजरात जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच हैज़ बीन एस्टेब्लाइज्ड एज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ऑप्शन ए 23 मार्च जो है वो सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रजत को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, अगर हाइपरमेट्रोपिया उसको हुआ है तो उसके लिए जो है वो कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस्ट इंसुलेटर, बेस्ट इंसुलेटर आपसे पूछा गया है, तो सबसे अच्छा इंसुलेटर इनमें से कौन सा है, इनमें से एबोनाइट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, एबोनाइट जो है वो सबसे अच्छा इंसुलेटर इनमें से माना जाता है। तो ये छोटा सा सेशन हमने डिस्कस किया, और भी सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।